Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum dear students. My name is Aisha Saleem. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 4 of our chapter number 8 and our today's lecture is about law of conservation of energy. Hamari aaj ke lecture ka SLO hai the state law of conservation of energy and explain हाउ द ला इम्प्ला अप्लाइज टू डिफरेंट सिचुएशन हम डिफरेंट सीनारी के जरिए डिस्कस करेंगे और सबसे पहले तो हम स्टेट करेंगे और डिफाइन करेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिर है क्या तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले हम अपने प्रीवियस नॉलेज को रिवाइज करेंगे यहाँ पर आपको कुछ एनर्जी की फॉर्म्स सीख गई हैं तो क्योंकि आप इन फॉर्म्स को इन एनर्जीज़ को से और से देखिए और बताइए आइडेंटिफाई कीजिए कि विच uh, ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ये इनर्जीज किन uh, दूसरी इनर्जीज़ में uh, क वर्ट होंगी और इन दी गई स्पेसिस को फिल कीजिए तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए वेरी गुड सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ कि वॉट हैपन्स टू द एनर्जी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं की जा सकती और इस स्टेटमेंट को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी इज़ ना इधर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्स इट शेप और इसीलिए हम कह सकते हैं कि टोटल इनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड बिफोर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनर्जी स्टोरड आफ्टर तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डिफरेंट एग्जाम्पल्स के जरिए से हम इसको डिस्कस करते हैं लेकिन सबसे पहले हम अपने इस डेफिनेशन को टू डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके बेहतर तरीके से समझते हैं फर्स्ट पार्ट जो है इनर्जी हमारे पास क्रिएटिव डिस्ट्रॉय नहीं होती इट इज ट्रांसफर्ड टू एन अदर ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमारे पास जो केस है दैट इज इनर्जी इज ट्रांसफर टू एन अदर ऑब्जेक्ट और किस तरह से ट्रांसफर होगी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स को लाइट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू दी अदर ऑब्जेक्ट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने जैसे ही हो जैसे ही हमने स्टिक से बॉल को हिट किया तो इसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई बॉल को और बॉल एज अ रिजल्ट मोशन में आई इसी तरह अगर हमारे पास टू बॉल्स हो एक बॉल मूविंग हो जबकि दूसरी बॉल स्टैटिक पोजीशन में हो स्टेशनरी हो और अगर ये बॉल इसको हिट करे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वट विल हैपन वेन मूविंग बॉल हिट्स द स्टिल बॉल वेरी गुड हमारे पास नतीजे ये बॉल भी मूव करेगी मोशन करेगी तो इस तरह से हमारे पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है सेकेंड जो केस है हमारे पास दैट इज एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए अपने दोनों हाथों को लीजिए और आपस में रब कीजिए वेरी गुड सो यू नोटिस दैट द कानेटिक एनर्जी ऑफ योर हैंड्स जो कि आपके हाथों को मूव करने से प्रोड्यूस हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है हीट इनर्जी में और इस एक्टिविटी को हम बहुत परफॉर्म करते हैं लाइक इन विंटर्स इन ऑर्डर टू गेट हम अपने खुद अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने हाथों को रब करते हैं और उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है तो हमने इस एक्टिविटी से सीखा कि एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म इसी तरह हमारे पास फर्स्ट करें अगर लाइटनिंग बल्ब है जिसकी केमिकल एनर्जी हमारे पास हंड्रेड राउल है तो इसकी एनर्जी किस तरह से हमारे पास सेम होगी हंड्रेड जॉल में से फाइव जॉल ऑफ एनर्जी जो है वो लाइट आ, के लिए इस्तेमाल की गई है जबकि नाइनटी फाइव जॉल ऑफ एनर्जी इज प्रोजेस्ड बाय द हीट एनर्जी और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड बिफोर इज इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर तो हंड्रेड जॉल ऑफ एनर्जी हमारे पास एक्जैक्टली exactly कंप्लीट है तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी ऑलवेज रिमेन कंजर्वड ये डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती गई अपनी फॉर्म को चेंज करती है एक अपने आप को चेंज करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है और यहाँ पे आप इस एक्टिविटी को गौर से देखिए और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को मेंशन करते हुए इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए वेरी गुड सो so, हम वेरीफाई करते हैं कि अदर आपने इस एक्टिविटी को करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं सबसे पहले हमारे पास है केमिकल एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट इज़ कंज्यूम द ह्यूमन एंड इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी और द एनर्जी दैट इज यूज्ड यूटिलाइज्ड टू डू डिफरेंट वर्क्स इसी तरह केमिकल एनर्जी हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विच इज़ देन कन्वर्टेड इंटू द कानेटिक एनर्जी दैट इज यूटिलाइज बाई द व्हीकल्स फर्दर हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकसिटी बनाने में भी इस्तेमाल होती है जो कि लाइट बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसके अलावा हीट एनर्जी में भी ये कन्वर्ट है और यही इलेक्ट्रिकिटी हम इस्तेमाल करते हैं लाइट और साउंड एनर्जी में और इसी तरह मक, आ, केमिकल एनर्जी हमारे पास इस्तेमाल होती है मकेनिकल एनर्जी में भी तो हमने इस एक्टिविटी से देखा कि हमारे पास एक फॉर्म एनर्जी की ट्रांसफॉर्म हो रही है डिफरेंट अशकाल के अंदर और ये तमाम चीज़ें और ये तमाम एग्जांपल्स हमें ये समझने में मदद देती हैं कि एनर्जी ज़्यादा नहीं होती डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि ये अपनी शक्ल को चेंज करती है वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में नॉट क्विकली टेल मी थिंक अबाउट दैट हाउ डज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अस इन रियल लाइफ सिचुएशन सच एज डिजाइनिंग द एफेंट मशीनरी और रिड्यूसिंग एनर्जी वेस्ट कोई भी एग्जाम्पल आप सोचिए और मुझे बताइए कि डेली लाइफ एग्जाम्पल में किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं वेरी गुड सो अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास सोलर एनर्जी की दैट इज यूटिलाइज एंड जो कि इस्तेमाल होती है सोलर पैनल्स के जरिए विच इज देन कन्वर्टेड इन केमिकल इनर्जी एंड दैट केमिकल इनर्जी इज देन फर्दर कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और विच इज यूज टू लाइट द बल्ब एंड दिस इनर्जी और हम कह सकते हैं कि ये इनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है लाइट एनर्जी में ऑल्सो इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी तो डिफरेंट uh, हमारे पास अशकाल पैदा होती हैं तो हमने इस एग्जाम्पल के जरिए से सीखा उसके अलावा हमारे पास बहुत सी एनर्जी की फॉर्म्स हैं जिसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है हीट एनर्जी के अंदर इसी तरह अगर हम केमिकल एनर्जी को ले लें और तो ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में भी और लाइट एनर्जी में भी इस तरह हमने बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ मौजूद है जहाँ पे एनर्जी की एक फॉर्म कन्वर्ट हो रही है एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर सो so, नेक्स्ट हम अपने लेसन को समराइज करते हैं तो आज के लेसन के अंदर हमने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट शेप इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर

तो so, हम अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अब अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे ऑफ दिस इज आल्सो ऑल्सोन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो इट के स्टूडेंट्स क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू एंड सॉल्व दिस वर्कशीट वेरी गुड सो दैट वोल अबाउट टू डेज लेसन मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा इन शाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपने लेसन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और एनर्जी की लाव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे इन एवरी डे लाइफ सिचुएशन सो क्या स्टूडेंट तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज